आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा। ढला है सूरज तो क्या हुआ, अंधेरा चीर कर वो कल फिर निकलेगा। माना तेरी मंजिल कैद है लोहे की जंजीरों में, तू अपने अंदर मेहनत की आग को जगा कर तो देख, और फिर ये लोहा भी पिघलेगा। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर के वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3, और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। तो दोस्तों, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमने थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देखा था, इक्के दुक्के क्वेश्चंस देखे थे, तो आज कंप्लीटली हम इसे कवर करेंगे। और आज का सेशन उम्मीद है आपको शायद बड़ा पसंद आएगा। तो एकदम एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले सवाल की। तो इस सवाल में आपको क्या कहा गया था कि एक चेन है, ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। यहां मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी थी, उसको मैं बता दूंगा, जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे फ्रिक्शन भाई साहब भी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन भाई साहब को हमने भूल के आपको एक हिंट दे दिया था, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ है। फ्रिक्शन को इंक्लूड करके चीजें कुछ अलग रहेंगी। चलिए पहले सवाल समझते हैं। तो सवाल बड़ा ही सिंपल था। सवाल में कहा गया था कि यार यहां पर देखो एक टेबल है, और इस टेबल पे एक चेन ऐसा हैंग करी हुई है, मैंने यहां से एक फोर्स लगाया और इसको पूरे चेन को टेबल पे खींच लिया, तो इस दौरान मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, क्योंकि मैं जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है, तो डेफिनेटली वर्क होगा। तो वही वर्क मुझे निकालना है कि इस चेन को जो अभी इस स्थिति में है उसको पूरा टेबल पे खींचने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि उसको स्लोली खींचा जा रहा है, स्लोली खींचने की वजह से वेलोसिटी हर मोमेंट पे लगभग जीरो होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। और हम यहां पे फिर क्या कहेंगे कि किसी जनरल मोमेंट की बात करेंगे जो हर चीज को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वो इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स की वैल्यू अगर एल है तो वो फाइनल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इसी तरीके से एक्स अगर जीरो से एल के बीच में कुछ और है तो वो बीच वाले मोमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहां अगर मैं देखता हूं तो आप सबसे पहले यही समझिए कि जब भी एक वेरिएबल फोर्स होगा तो आपको उस फोर्स का फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मैं यहां क्या कहने वाला हूं, यहां मैं बात करूंगा इस फोर्स की, तो मैंने लगाया फोर्स इधर, तो एक वर्टिकली हैंग करता हुआ जो ये पार्ट है इसकी वजह से इसका वेट आएगा, जो इसको नीचे लेके जाना चाहता है, मतलब इस मोशन को वो अपोज कर रहा है। साथ ही साथ यहां एक फ्रिक्शन आएगा जो आएगा म्यू इंटू एन, एन आएगा सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का वेट, और जो आ जाएगा अपने पास एम बाय एल एक्स इंटू जी, ये आपके पास फ्रिक्शन हो जाएगा। और यहीं से आपका जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो कहा जाएगा कि दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, क्योंकि ये दोनों मोशन को अपोज कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका जो है एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। और अब आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं, बस आपको चीजों को लिख देना है, तो हम यहां पर एक बार लिख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख ही पा रहे हैं, एक तो मेरे पास यहां से आ जाएगा क्या एम जी, ये मल्टीप्लाई करके, और एक आ जाएगा माइनस का m बाय एल एक्स इंटू जी, और यहां पर है प्लस का म्यू m बाय एल एक्स इंटू जी। तो फोर्स की जब आप बात करेंगे तो फोर्स आपको निकलता हुआ दिख रहा है कुछ m g माइनस का m, या इसको ऐसा लिख लेते हैं कि प्लस का म्यू माइनस वन और m g x बाय एल। अब ये फोर्स है, इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। तो वर्क जो आ जाएगा, वर्क बड़े ही आसानी से मैं लिख दूंगा कि ये जो फोर्स है इसका वर्क क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि मैं जब इसको खींच रहा हूं तो मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, उस दौरान मान लो ये डी एक्स डिस्प्लेस हुआ, तो इस दौरान मैंने कुछ वर्क किया होगा डी डब्ल्यू, जो कि आ जाएगा मेरे पास एफ डी एक्स के इक्वल। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको खींचे जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मैं वर्क करते जा रहा हूं जो कि डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होगा, और उस सारे वर्क को एड कर दिया जाएगा, मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो मेरे पास ये कहानी आ जाएगी। तो बस अभी हमें कुछ खास करना नहीं है, जस्ट अ मिनट यार। अभी हमें कुछ खास यहां करना नहीं है, अभी अपने को बस वर्क लिखना है। तो वर्क में फोर्स की वैल्यू और dx, तो x की लिमिट, तो इनिशियली चेन जो है टेबल पे जब नहीं थी तो अभी उसका कुछ भी पार्ट टेबल पे नहीं है। x क्या है, x है वो हिस्सा जो टेबल पे आ चुका है, तो इनिशियली कुछ भी टेबल पे नहीं था,
तो इसलिए जीरो, और फाइनली पूरी चेन टेबल पे होगी। तो एक्स की वैल्यू जो है जीरो से एल तक हम लगाएंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। बाकी अब मैं बस कुछ नहीं, बस एफ की वैल्यू रख रहा हूं, तो ये आ जाएगा एम जी, इधर आ जा रहा है म्यू माइनस वन, और ये एम बाय एल एक्स, हाँ एम बाय एल एक्स इंटू जी, और यहां से आ जाएगा अपने पास ये डी एक्स। ये कहानी अपने पास आ रही है, उम्मीद है मैंने कहीं कोई गड़बड़ घपला वपला नहीं किया होगा, और यहां से चीजें एकदम बढ़िया से अपने को समझ में आ रही है। बस अब कुछ करना नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो एम जी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, प्लस यहां पे ये म्यू माइनस वन एम जी बाय एल, ये भी पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। एक बार मैं रखूंगा जीरो, एक बार मैं रखूंगा एल, लिमिट्स डालने पर मेरे पास कहानी जो होगी सामने वो कुछ होगी ये। तो ये आपके पास इस फोर्स का वर्क आ जाएगा, तो एल स्क्वायर डालूंगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, और ये कुछ कहानी होगी। इसको और सॉल्व करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई गड़बड़ कर दी है क्या मैंने? बिल्कुल, यहां अपने पास आ रहा है एम जी एल, एक बार रखूंगा मैं एल, और यहां पर जब मैं एक बार एल रखूंगा तो ये कुछ कहानी आएगी। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और ये वर्क होगा। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा, और उम्मीद है आपने मेरी गलती भी पकड़ी होगी। मेरी गलती कौन सी? सर जी आपने जो है फ्रिक्शन लेना भूल गए थे, है ना। खैर चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो हमने कल ये पढ़ा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताती है कि जितना भी वर्क होगा वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। अगर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, टोटल वर्क। अगर पूरे सिस्टम पे वर्क जो है नेगेटिव है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी, और यदि वर्क जीरो है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। कहीं पर अगर आपको फीलिंग आती है जैसे कि यार अपने आप ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला सकते, तो आप ये समझ जाइए कि वहां पर उनका वर्क जो है टोटल वो कितना आ जाएगा? जीरो। वर्क क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा जीरो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक बात बताई थी और मैंने कहा था कि सिस्टम टेंशन का वर्क सिस्टम पे हमेशा जीरो होता है। तो आप खुद समझ के देखिए कि मान लीजिए आप कैसा भी सिस्टम लेके चल लेते हैं, कैसा भी अजीबोगरीब सिस्टम आपने ले लिया, अब मैं कह रहा हूं क्या यहां पर ये टेंशन खुद से इन पे कोई वर्क कर सकता है क्या? क्या तुमको ऐसा लग सकता है कि यह चीज ऐसा रखी हुई थी और अपने आप जो है वर्क होने लग गया? वर्क मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई, ये चलता हुआ दिखने लग गया, ये इधर मूव करने लग गया या उधर मूव करने लग गया? नहीं, जब तक मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक इस पे कोई एनर्जी की बढ़ोतरी होते हुए आपको नहीं दिखेगी। तो आपको यह समझ जाना है कि भाई साहब टेंशन यहां पर सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क नहीं कर सकती। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है कि टेंशन का वर्क ऑन सिस्टम इज व्हाट? इट इज ऑलवेज जीरो, है ना। टेंशन का वर्क ऑन सिस्टम इज व्हाट? इट इज ऑलवेज जीरो। यहां एक सवाल, मतलब सवालों को करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसा कि अक्सर लोगों को इतना पता होता है कि सिग्मा ऑफ एफ इंटरनल फॉर अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस का एडिशन जो है वो होता है जीरो। हो सकता है कई लोग समझ नहीं पा रहे हो ये बात, तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। और मान लो अभी ये स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड हो रखी है, एक्सपैंड हो रखी है, तो ये कुछ इधर फोर्स लगा रही होगी, इधर फोर्स लगा रही होगी, यहां से फोर्स लग रहा होगा kx, यहां से भी फोर्स लग रहा होगा kx। लेकिन अगर मैं ये पूरा सिस्टम कंसिडर कर लेता हूं तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा स्प्रिंग का, क्योंकि सिस्टम के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पे वो फोर्स लगा रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो पूरे सिस्टम को जब मैं लेके चलूंगा तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि यार क्या यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अभी, तो तुम कहोगे अभी तो नहीं दिख रहा, हाँ एक स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है लेकिन वो इंटरनल है और उसका सम डेफिनेटली जीरो होना चाहिए। ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये सम जीरो होना चाहिए। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम या सिग्मा ऑफ वर्क डन बाय जितने भी इंटरनल फोर्स है उन सभी का मिला के वर्क डन, तो दोस्तों ये ध्यान रखना ये जीरो भी हो सकता है,
ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो मान लो अगर ये एक्सपैंड हो रखी है तो ये ब्लॉक जो है कुछ इधर डिस्प्लेस होगा, ये ब्लॉक कुछ इधर डिस्प्लेस होगा, तो स्प्रिंग इसके ऊपर कितना वर्क कर रही है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव वर्क कर रही है, इस पे भी पॉजिटिव वर्क कर रही है। तो यहां आपको यह समझना होगा कि वर्क जो है इंटरनल फोर्स का ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव। यही ये नेगेटिव भी आ सकता है कि मान लो अगर मैं इसको वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में दे देता हूं और इसको वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में दे देता हूं, तो वेलोसिटी की वजह से ये और एक्सपैंड होगा और उस एक्सपेंशन के दौरान स्प्रिंग इसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर रही होगी, इस पे भी नेगेटिव वर्क कर रही होगी, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क नेगेटिव भी आ सकता है। और यही आपके पास जीरो वाला केस भी थोड़ा मैं समझा दूं। मान लीजिए ये रॉड है अपने पास इस बार, तो रॉड से अगर कनेक्टेड है और आप क्या करते हो, मान लो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हो तो रॉड से कनेक्ट होने की वजह से यहां क्या होगा कि जितना ये इधर डिस्प्लेस होगा, अगर ये डी डिस्प्लेस हो रहा है तो ये भी कितना डिस्प्लेस होगा, डी इस डायरेक्शन में। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस में रॉड का मान लीजिए यहां रिएक्शन लग रहा है, अगर आप उसको खींच रहे हो कुछ एफ फोर्स से, तो रॉड यहां पे कुछ टेंशन लगाएगी ऐसा और इधर टेंशन लगाएगी कुछ ऐसा। तो साफ दिख रहा है कि यहां पे रॉड का वर्क पॉजिटिव है, टी और डी एक ही डायरेक्शन में है, यहां पे जो वर्क है वो नेगेटिव है क्योंकि टी और डी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां जितना पॉजिटिव वर्क है यहां उतना ही नेगेटिव वर्क है, है ना? तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो। बस मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि ये बात आप ध्यान रखें कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम कैन बी एनीथिंग, मतलब वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, किस किस केस में जीरो रहेगा तो उसकी मैं बात बता देता हूं, ठीक है? वैसे डिराइव भी करके हम देख सकते हैं कुछ केसेस को, ठीक है? तो लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि एक हिंट ये है कि अगर उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जिस भी चीज से वो कनेक्टेड है अगर वो एक्सपैंड कंप्रेस नहीं हो सकती है, तो समझ जाना कि वहां पर वर्क डन जो है वो जीरो होगा इंटरनल फोर्स का पूरे सिस्टम। जैसे कि ये रॉड हो गई या रस्सी हो गई, तो वहां पे इंटरनल फोर्सेस का वर्क क्या होगा, वो होगा जीरो ऑन द होल सिस्टम। ऐसे ही नॉर्मल का रिएक्शन जो हो जाएगा, नॉर्मल के दौरान भी क्या होता है कि उनका जो कॉन्टेक्ट रहता है तो वहां पे कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन टाइप की चीज है ही नहीं भाई, कॉन्टेक्ट हमेशा मेंटेन्ड है। तो आप ये समझे कि अगर अगर क्या हो रहा है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस आपको देखना है किन केसेस में, फॉर नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन, फॉर नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन एंड टेंशन, है ना? ये आप ध्यान ही रख लो, फॉर नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन एंड टेंशन वर्क डन ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ये आप बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इज ऑलवेज जीरो। और साथ ही साथ एंड इट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी फ्रेम से देख लो, वर्क वैसे जो क्वांटिटी होती है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है। अलग अलग फ्रेम पे बैठ के देखोगे तो वर्क अलग अलग आएगा बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक आप विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ किसी को देख रहे हो तो हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ वो डिस्प्लेस होता हुआ दिखे। जैसे मान लो बस में कोई आदमी बैठा है तो तुम देख रहे हो बाहर से तो वो डिस्प्लेस हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन अगर तुम भी बस में उसी के साथ बैठे हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक रिलेटिव क्वांटिटी है, तो वर्क जो है वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी होगी। लेकिन बड़े अमेजिंग तरीके से आपको ये मतलब चीज यहां पर निकल के आती है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि इनका किसका इंटरनल फोर्सेस का सिस्टम पे जो वर्क है वो हमेशा फ्रेम इंडिपेंडेंट आएगा। मतलब विद रेस्पेक्ट टू अर्थ देखो कि किसी और फ्रेम में बैठ के देखो, इट इज ऑलवेज सेम। साथ ही साथ जब आप बात करोगे काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, तो और या मैं ऐसा ही लिख देता हूं,
वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा होगा तो सिस्टम पे उसका जो वर्क आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, बट अगेन इट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रेम इंडिपेंडेंट। सर लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा, इस सिस्टम से क्या मतलब है आपका? सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि अगर जब आप बात करते हो काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, मान लो इन दो ब्लॉक्स के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे लग रहा है इस तरफ और इस पे लग रहा है इस तरफ, सिस्टम से मतलब यह है कि दोनों को इंक्लूड करके, फ्रिक्शन दोनों पे लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन का वर्क इस पे प्लस इस पे, दोनों का एडिशन इज ऑलवेज नेगेटिव। हो सकता है कि इस पे नेगेटिव हो इस पे पॉजिटिव हो, या इस पे पॉजिटिव हो इस पे नेगेटिव हो, या दोनों पे, शायद दोनों पे तो नेगेटिव, हाँ क्या पता दोनों पे भी नेगेटिव हो। लेकिन लेकिन बस ध्यान ये रखें यार, टोटल जो है वर्क वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इंडिविजुअल ब्लॉक पे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टोटल इसका प्लस इसका मिला के इज नेगेटिव, और वो फ्रेम इंडिपेंडेंट भी आएगा। ये बात आप ध्यान ही रख ले, है ना, ये बात जो है आप ध्यान ही रख ले, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, तो आप ये ध्यान रख लो कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन सिस्टम इज ऑलवेज फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको काफी मदद दे सकती हैं। इज ऑलवेज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट रहेगा वो, ठीक है, ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये जितना आपको अजीब लग रही होगी, इतना ज्यादा ये यूजलेस लग रही होगी, अच्छे क्वेश्चंस में इनकी यूटिलिटी उतनी ही ज्यादा है इन तीनों पॉइंट्स की, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, और सवाल जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएंगी वो बातें, जब वैसे सवाल आएंगे, है ना, अच्छे क्वेश्चन में जहां आपको ये बता सकती है चीजें, तो ये आपको काफी मदद कर सकती है। चॉइस ऑफ फ्रेम आपको काफी मदद कर सकता है, क्योंकि फ्रेम पे बैठ के इंटरनल फोर्सेस का वर्क चेंज नहीं हो रहा है पूरे सिस्टम के ऊपर, तो आप ये एक बात ध्यान रखना। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे बिना देरी किए, और अभी हम एप्लीकेशन देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। और मैं जानता हूं कि आप लोग काफी परेशान होंगे कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अब से चीजें बड़ी आसान सी और नॉर्मल सी आपको लगने लग जाएगी। तो फटाफट से देखते हैं कि यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, एच हाइट से इसको फेंक दिया और ये ऐसा जाके कुछ यहाँ पे गिर जाएगा। प्रोजेक्टाइल से भी आप क्या निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो, लेकिन अब हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जस्ट आपको ये आइडिया देने के लिए है कि प्रोजेक्टाइल में जो चीज थोड़ा सा लंबी हो जाती थी, वही यहाँ चीज एकदम छोटी सी हो जाएगी। तो आपको पता है कि ऊपर से जी नीचे जब ये आया तो कौन कौन वर्क कर रहा है, ओनली ग्रेविटी इज डूइंग वर्क एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म। तो सर हमको पता कैसे लगेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है? यार सिंपल सी बात है, कहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाए, मतलब वर्क से रिलेटेड कुछ चीज हो, या तुमसे वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ चीज पूछे, जैसे यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, तो ये अपने आप तुम्हें हिंट देने वाली बात है कि अगर वर्क से रिलेटेड चीज है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचो। डिस्प्लेसमेंट या एक्सपेंशन कंप्रेशन से रिलेटेड चीजें आ रही है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचो। वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचो। पहले ये सोचो, बाद में जाके हम किसी और बारे में बात करेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट इट इज MGH, ये मैं कल ही बता चुका हूं कि अगर यहां से किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप जाते हो तो ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए आप बस ये चेक करोगे कि वो कितना नीचे या कितना ऊपर गया है। तो यहां से यहां वो वर्टिकली नीचे गया है कितना H यूनिट्स, तो हम लिखेंगे MGH, और वो नीचे गया है ये पॉजिटिव, तो MGH इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बहुत ही रद्दी सवाल, बहुत ही लल्लू सवाल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम यहां लिख देंगे। और यहां से हमने क्या कहा, हमने कहा कि v square is equals to u square plus 2gh। तुम बोलोगे सर ये तो थर्ड इक्वेशन टाइप की चीज लग रही है, हाँ मतलब लग तो रही है, बिल्कुल नो डाउट है कि नहीं। और तुम कह सकते हो कि यस इट इज एक्चुअली थर्ड इक्वेशन ऑल्सो, है ना, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। लेकिन
आप इधर एक चीज को और सुने जो अब मैं कहने जा रहा हूं। चीज यह है कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं यही चीज को कुछ मैं इस तरीके से दिखाऊं कि एक ऐसा 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 कुछ ये स्लैब क्या बोलेंगे सरफेस थी, यहां पर जो है आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है m, और मान लो इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी u, उस वेलोसिटी से ये ऐसा स्लाइड होते 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 फाइनली यहां आ गया और इसकी वेलोसिटी जो हो चुकी है वो हो चुकी है v, ठीक है। और इस दौरान जो है इसके ऊपर किस किसने वर्क किया होगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल ने वर्क किया होगा, फ्रिक्शन हम लेके नहीं चल रहे हैं। तो यहां अगर आपको u और v में रिलेशन पूछा जा रहा है कि बताओ भाई v कितना होगा, अगर ये u था ये h था तो v कितना होगा, तो वापस आप लगाए वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान से सुनना पूरी बात। तो मैं क्या बोलूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, उसने वर्क किया mgh, और काइनेटिक एनर्जी में क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और ये कटेगा 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 तो वापस मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर प्लस 2g। हालांकि यहां पे आप कह सकते थे कि ये पिछला जो था अपने पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था यहां, तो यस यू कैन से कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर ये दिखने में आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है लेकिन ये है नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर आप समझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वैलिड होती है और यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से आ रहा है, लेकिन रिजल्ट अपने को कुछ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा ही दिख रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी सिर्फ अगर ग्रेविटी वर्क कर रही है ना तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं, हालांकि मैं इसको लिखना चाहूंगा कुछ इस तरीके से जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो यार, बेटर ये रहेगा, नहीं तो यू और वी में आप कंफ्यूज रहेंगे। इसको मैं वी ए कह देता हूं और इसको मैं कह देता हूं वी बी। तो मैं कह रहा हूं अभी मोशन मैं बोल रहा हूं ए से बी वाला, ए से बी वाला मोशन कह रहा हूं, तो ये आ जाएगा अपने पास वी बी का स्क्वायर और ये जो है अपने पास आ जाएगा वी ए का स्क्वायर। यहां पर भी मैं कह दूंगा कि वी बी इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर, मतलब यहां से यहां जब आया तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। और इसका उल्टा अगर आपने नीचे से इसको फेंका और ये ऐसे 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 करके ऊपर चले गए, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ कोलिजन वोलिजन नहीं हो रहा है, वो जंप कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ रहा है किसी वजह से, है ना, तो अगर आपने ऐसा फेंका और सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क कर रही है तो आपका थर्ड इक्वेशन टाइप की चीजें वैलिड होती हुई दिखेंगी। तो जैसा आप नीचे से जब फेंकते थे तो ऊपर वेलोसिटी कितनी आती थी, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और ऊपर से जब फेंकते थे तो नीचे वेलोसिटी कितनी आती थी, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ऐसी ही कुछ कहानी आपको यहां पे होती हुई दिख रही है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस पे आपको खुद को समझनी है अब जो बातें हैं। कोई हाँ ये सोच सकता है कि सर नॉर्मल के वर्क का क्या हुआ, तो मैंने कहा भाई वो तो जीरो हो गया, क्योंकि नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो सरफेस के अलोंग होगा, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सवाल को देखते हैं, तो ऐसा यहां देख लेते हैं इस सवाल को। मैंने कहा एक अगेन बहुत ही बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में, ये देखो ये सवाल सारे अभी रद्दी चल रहे हैं, है ना, अच्छे सवाल आगे आएंगे, लेकिन रद्दी का मतलब ये नहीं कि ये तुम्हें सिखाएंगे नहीं, ये रद्दी उन्हीं के लिए जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए तो भाई यही तो बेस है, यही सब चीजें आपका बेस इंप्रूव करेगी, है ना, जो आता है वो स्किप मार दो यार, वो तुम्हारी मर्जी है ना, अगर तुम खुद को समझते हो कि यार हमें तो ऑलरेडी ज्ञान है तो फिर ठीक है आप स्किप मारो, लेकिन जो समझता है कि नहीं उसको सीखना है ढंग से तो भाई आप देखो, इजी क्वेश्चन भी आपको सिखाता है, टफ क्वेश्चन भी आपको सिखाता है, ये ध्यान रखना, हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती। तो यहां इस सवाल में मैंने कहा कि ये जो अपना स्प्रिंग था इसका नेचुरल लेंथ है कुछ L नॉट और उसी पे ये ब्लॉक अपने को दिख रहा है, यहां पे मैंने इसको होल्ड किया हुआ है अभी, और मैंने क्या किया, मैंने इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किया। तो अब मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। अब अगर आपको पता हो एनएलएम अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये सवाल मैंने वहां भी कराया था, लेकिन ये नहीं पूछा था, वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आके वो रुकता नहीं है, क्यों, क्योंकि अक्सर लोगों का समझता है अच्छा मैक्सिमम इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब जहां पे जाके वो रुकेगा तो इक्विलिब्रियम पे चीजें रुकती हैं, है ना, तो अगर आप रेगुलर लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने ये पॉइंट मिस किया होगा।
कि ऐसा नहीं होता है कि इक्विलिब्रियम पे आके चीज रुकेगी। भाई साहब इक्विलिब्रियम पे आके तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसको एक बार मैं क्विकली थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि पहले मैं बहुत डिटेल में इसको समझा चुका हूं। बहुत ही सिंपल से शब्दों में आप ये जानते हो कि जैसे ही आप इसको यहां से रिलीज करोगे नेचुरल लेंथ से, तो अभी इस पे हाल फिलहाल जो फोर्स लगेगा वो होगा mg। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही ये कुछ x डिस्टेंस नीचे की ओर डिस्प्लेस हो जाता है, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है kx, और नीचे की तरफ जो mg लग रहा था वो तो अभी भी उतना ही है। तो आपको ये समझ में आता है कि अब एक्सेलरेशन हालांकि अभी तो नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि kx एकदम से mg के इक्वल नहीं बनेगा, उसको mg के इक्वल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ और उसको चलना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझे कि एक्सेलरेशन नीचे है और कम होता जा रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये चलते चलते kx mg के इक्वल हो जाएगा, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे। और इस पोजीशन से पहले तक क्या हो रहा था, इस पोजीशन से पहले तक एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी, उससे सीधे सीधे ये मतलब है कि यहां जाके वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ना कि वो रुकेगा। तो आप इस बात को समझे कि जब आप ऐसा छोड़ दोगे तो वो चीज यहां जाकर रुकेगी नहीं, यहां तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा किया जाए कि मैं उस ब्लॉक को पकड़ते हुए लेके आऊं, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है वहां मैं छोड़ूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के बाद मैं उसको क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, मतलब अभी मैं उसको एकदम से गिरने नहीं दे रहा हूं, मैं उसको स्लोली लेके आ रहा हूं, मैं भी कुछ फोर्स लगा रहा हूं mg और स्प्रिंग के अलावा। तो जब मैं उसको स्लोली लेके आ रहा हूं, जैसे ही इक्विलिब्रियम आती है मैं अपना फोर्स हटा लेता हूं, और क्योंकि अभी मैंने उसकी वेलोसिटी को बढ़ने ही नहीं दिया, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो वेलोसिटी है तो जीरो ही रह जाएगी जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो दो सिचुएशन है, एक तो है कि जब रेस्ट से यहां से रिलीज किया तब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रुकेगा, लेकिन हां ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर इक्विलिब्रियम पे तुम रोक दोगे उसको तो फिर वो रुका रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। खैर, ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रुकेगा, ये रुकेगा तो कहीं और नीचे की ओर जाकर के। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि इलोंगेशन मैक्सिमम कब आएगा। इलोंगेशन जो है वो मैक्सिमम तभी आएगा जब ये और नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब यहां वेलोसिटी जीरो होगी। यहां कैसे रिलीज किया, रेस्ट से, तो ये वेलोसिटी भी कितनी थी, जीरो। और जैसे ही आप इस चीज को पाएंगे तो आप यहां देखेंगे कि किस किस ने वर्क किया, तो वर्क किया ग्रेविटी ने और वर्क किया स्प्रिंग ने। हमने कोई वर्क नहीं किया, मैंने फोर्स हटा दिया है तभी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुका नहीं है और नीचे जाके वो गिरा है, मतलब यहां तक पहुंचा है। अब ये कितना आएगा उसको जरा फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब तुम बोलोगे सर आपको पता कैसे लगा कि यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। मैंने पूछा आपको क्या बताना था इस सवाल में कि मैक्सिमम इलोंगेशन है कितना। सवाल अगर किसी को लिखना हो तो ये लिख लेना, बस ये डायग्राम बना लेना, बस फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, यहां से रिलीज किया, खत्म। तो मैक्सिमम इलोंगेशन जहां डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाए या वर्क की बात आ जाए या फिर वेलोसिटी की बात आ जाए या फोर्स को कैलकुलेट करने की बात आ जाए, फोर्स को कैलकुलेट तो नहीं लेकिन काफी केसेस में आप कह सकते हो कि हाँ हो भी सकता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपके दिमाग में मतलब एकदम चमकना चाहिए, है ना, कि एक बार लगा के जरूर देखते। खैर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। और सर ये और कैसे पता लगेगा, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करो सब कुछ चीजें आसान होंगी। तो ये ब्लॉक अगर नीचे आया तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, ग्रेविटी ने वर्क किया mg h max। स्प्रिंग का वर्क मैं आपको फॉर्मूला लिखा चुका हूं, हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर। तो इनिशियली स्प्रिंग में कोई एक्सपेंशन नहीं है, ऐसा मत बोला सर l0 एक्सपेंशन है, भाई l0 उसकी नेचुरल लेंथ है, कोई एक्सपेंशन नहीं है, नेचुरल लेंथ से इसको रिलीज किया है। तो x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर हम कहते हैं, तो x इनिशियल का स्क्वायर जो है वो है जीरो, और x फाइनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास x max उसका स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। व्हाई, बिकॉज इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही जीरो है, तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, जीरो। और बस यहां से अब आपको कुछ नहीं करना, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालें और आपको यहां से रिजल्ट मिल जाएगा mg h max माइनस का हाफ के h max का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही होंगी यहां पर x की, एक तो जीरो और एक आएगी आपके पास 2mg by k। आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये दो रिजल्ट देगा,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो वैल्यूज आएंगी, और दो वैल्यूज कौन सी वैल्यूज है, जिन उन पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है, मतलब यहां से चला तो यहां तक, देखो दो इंस्टेंट्स हैं, तो वो यहां की और यहां की एक्स आपको दे रहा है। इनिशियली एक्स कितना था, जीरो, फाइनली एक्स कितना होगा, 2mg/k। तो आपको ये समझना होगा कि मैक्सिमम एक्सपेंशन इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, भाई एक्स जीरो तो नहीं हो सकता ना, है तो नॉन जीरो ही, तो जीरो में एलिमिनेट मारूंगा और ये रिजल्ट आएगा। और बड़े ही इंटरेस्टिंगली आप यहां पे देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है यहां, कि ये जो एक्सपेंशन आ रहा है ये एग्जैक्ट डबल आ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले एक्सपेंशन का। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सपेंशन आता है mg/k, और ये आपका जो आ रहा है डबल आ रहा है, ये डबल आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखें ना, ये बड़ा मतलब अमेजिंग रिजल्ट है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन एकदम दोनों एक्सट्रीम के मिड में रहेगा और ये मोशन कभी रुकेगा नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि सर ये रुक जाएगा, अरे रुकेगा क्यों मेरे भाई, अब जो है स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा है तो वापस ऊपर खींचेगा, यहां पे आके वेलोसिटी वापस से मैक्सिमम, फिर वो ऊपर जाएगा रुकेगा, फिर यहां रुकेगा, फिर यहां रुकेगा, बस ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा और ये कभी नहीं रुकेगा ये मोशन, क्योंकि एनर्जी खाने वाले फोर्स यहां है ही नहीं। कौन होता है सर एनर्जी खाने वाला फोर्स, वो है फ्रिक्शन, जहां पे एनर्जी का लॉस होता है ना। जब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तब हम बात करेंगे उसके बारे में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। यहां अगर आप देखेंगे तो ये मोशन कभी नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम्स के मिड में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां मैं एक सवाल, बहुत ही बेसिक सा सवाल अगर आपसे पूछना चाहूं, तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा। देखो ये बात ना हमेशा वैलिड रहेगी, अगर कोई चीज ऐसा ऊपर नीचे स्प्रिंग में मूव कर रही है, एक एंड उसका फिक्स्ड है और वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट मिड में आएगा दोनों ही एक्सट्रीम के, दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके एग्जैक्ट मिड में आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। तो एक सवाल हम करते हैं यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन जस्ट एक इस छोटी सी अप्रोच से ये जस्ट सेकेंड्स में सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। सवाल क्या है उसको सुने, सवाल हमें ये कह रहा है कि भाई साहब एक ब्लॉक ये है अपने पास एम, और ये स्प्रिंग इसके नीचे कुछ ऐसी लगी हुई है और स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है जो होनी भी चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो और नीचे ये है अपने पास 2m। यहां बताया गया कि होने में तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ खैर यहां कहीं होगी, लेकिन ये अभी इक्विलिब्रियम में, ये भी अभी इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है और ये भी कैसा है, इक्विलिब्रियम में। अब आपको बताया ये जा रहा है, ये पूछा ये जा रहा है कि इसको मैंने कुछ फर्दर कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया, कुछ एक्स, ध्यान से सुनना पूरी बात, इसको मैंने कुछ एक्स कंप्रेस किया, कंप्रेस करके मैंने छोड़ा, कितना मिनिमम कंप्रेशन ये कितना हो, एक्स मिनिमम ये कितना हो जिससे कि इस मोशन के दौरान 2m जो है वो कॉन्टेक्ट छोड़ दे, व्हाट शुड बी द मिनिमम या व्हाट शुड बी द फर्दर कंप्रेशन, मिनिमम फर्दर कंप्रेशन इन दिस केस सच दैट 2m कैन लूज इट्स कॉन्टेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, सवाल दोबारा से सुन लो, यहां ये इक्विलिब्रियम में था, इनिशियली सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, ये फर्दर इसको मैं और कितना कंप्रेस करूं कि ये 2m जो है कॉन्टेक्ट को छोड़ दे। ठीक है, अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर आपने लैंग्वेज नहीं लिखवाई, बात भावनाओं को समझो, सवाल इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ऐसा छोटी क्लासेस में नहीं हो कि तुम्हें हर चीज ऐसा डिक्टेट करवा के लिखाई जाए कि हाँ, है ना, समझ रहे हो ना बात को, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखो, है ना, इलेवेंथ में हो भाई, IITian बनने वाले हो तो स्मार्ट वर्क करना सीखो थोड़ा सा। ठीक है, मतलब वो स्कूल वाला वर्क नहीं कि एकदम जमा जमा के लिख रहे हैं और अलग अलग कलर से लिख रहे हैं, बढ़िया से लिख रहे हैं, वो चीजें नहीं है। सवाल को थोड़ा समझें, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी ये कुछ कंप्रेस्ड फील हो रहा होगा, नीचे आ रखा होगा, और वो कितना कंप्रेस्ड हो रखा होगा, NLM से आप कह सकते हैं कि ये कंप्रेशन आएगा mg/k, क्योंकि ऊपर kx लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, तब ये इक्विलिब्रियम। यहां से आप इसको कंप्रेस करेंगे और जैसे ही आप यहां से इसको रिलीज करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप जितना नीचे लेके जाएंगे ये उतना ही ऊपर जा पाएगा, उतना ही ये ऊपर जा पाएगा, मतलब अगर आप इसको x मिनिमम नीचे लेके आए हैं तो ये x मिनिमम ही ऊपर जा पाएगा, उससे ऊपर ये नहीं जा सकता, कम से कम ये इतना ऊपर तो जाए, कम से कम
इतना ऊपर जाए कि देखो ब्लॉक ये कॉन्टेक्ट छोड़ना चाहिए, तो कॉन्टेक्ट ये कब छोड़ेगा, 2m कॉन्टेक्ट तभी छोड़ेगा जब ऊपर वाला जो फोर्स है, तो मैं के एक्स डैश बोल देता हूं कि कॉन्टेक्ट तब छोड़ेगा कि जब एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग वो इतना होना चाहिए, स्प्रिंग इस पे ऊपर फोर्स लगानी चाहिए भाई, 2m स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो स्प्रिंग ही उसको खींचेगी, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाए, 2mg अगर वो फोर्स लगा लेगी या उससे ज्यादा लगा लेगी तो ये उठ जाएगा, नहीं तो ये नहीं उठना। अब ये फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही चांसेस है इसके उठने के, तो ये फोर्स कम से कम 2mg के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए, और ये फोर्स डिपेंड कर रहा है x पे, तो ये x एक्सपेंशन कम से कम इतना होना चाहिए कि यहां पर 2mg आ पाए। तो आपको यहां समझ में आ रहा है कि वो एक्सपेंशन कम से कम 2mg बाय k तो होना ही चाहिए। स्प्रिंग में एक्सपेंशन ध्यान रखना, स्प्रिंग में एक्सपेंशन कम से कम 2mg बाय k होना चाहिए। तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आती थी यहां पर, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, तो इस नेचुरल लेंथ से इसे कम से कम कितना ऊपर और उठना होगा, 2mg बाय k ऊपर कम से कम उठना होगा। तो ये आपका mg बाय k है, ये 2mg बाय k है, तो ये हो गया आपका 3mg बाय k। कुछ नहीं करना, सिंपल एक कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया कि एक्सट्रीम और मीन के बीच में इक्विलिब्रियम लाई करता है। तो ये आपका जो था वो क्या था, ये आपका था इक्विलिब्रियम, ये आपका था इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम से जितना नीचे उतना ही ऊपर, ये नेचुरल लेंथ थी तो नेचुरल लेंथ से उसे 2mg बाय के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये गैप 2mg बाय के, ये mg बाय के, तो ये आ गया 3mg बाय के, बस खत्म, आंसर बताओ, सेकंड्स में सॉल्व होगा। ये तो मैं समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी ये सवाल सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, खत्म। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल की। अब जैसे ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है, एकदम महारद्दी है ना सवाल है, कुछ नहीं है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहां मैंने तुमसे क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन, इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया है, अभी कहां है ये, नेचुरल लेंथ पे। तो नेचुरल लेंथ पे तो आपको पता है कि यहां पर इक्विलिब्रियम, ये इसका एक्सट्रीम हो गया, रेस्ट मतलब यहां वेलोसिटी जीरो थी, तो ये नीचे गिरेगा अभी, तो ये हो गया एक्सट्रीम। और इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है भाई, वो आ रहा है mg बाय k पर, तो उतना ही नीचे और चले जाएगा, क्या आ जाएगा, 2mg बाय k, 2mg बाय k जो है वो कंप्रेशन आएगा, मतलब जो पिछला सवाल था ना उसी के जैसा है, इस वाले के जैसा, बस वहां ये नीचे लटका था, ये रिजिड था, यहां मामला उल्टा है, ठीक है, ये रिजिड है और ऊपर वाला मूव करने वाला है। तो इस तरीके से आप यहां पे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बिना देरी के, अगला सवाल जो आपको कह रहा है, वो सवाल कह रहा है कि भाई साहब आपके पास एक रॉड है और रॉड का जो मास है वो मास आपको दिया गया है कितना, बस ये है गैस का, हाँ जी, तो फटाफट से देखते हैं अभी अपने को क्या कहा गया। अपने को कहा गया एक रॉड है, और रॉड जो है वो थीटा एंगल बना रही है, इसका मास है m और इसकी लेंथ है l, और ये यहां पर ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अभी ऐसा रखी हुई है, ऑब्वियसली तुमने उसको पकड़ा होगा, हवा में ऐसा तैर नहीं सकती रॉड। और यहां से आपने क्या किया, तो रॉड इज जस्ट पुश्ड, नहीं यार कहां पुश्ड, नहीं सॉरी, थोड़ा सा यहां पर चीजें गड़बड़ हो गई है, ये जो आएगा वो पुश्ड नहीं आएगा, रॉड इज रिलीज्ड एक्चुअली है ना, अगर मैं थोड़ा सा, रॉड इज रिलीज्ड, यहां से हमने क्या किया, रॉड को जो है वो किया रिलीज, रॉड इज रिलीज्ड सो दैट इट स्टार्ट्स फॉलिंग, यहां से इसको छोड़ दिया, ये फॉल करने लगी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड जस्ट बिफोर इट्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड। रॉड जब गिरेगी, तो गिरने लगेगी, तो वो टकराएगी जमीन से, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सरफेस यहां आपको दी गई है स्मूथ, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो स्लिप मारेगा, आपको समझ में आनी चाहिए ये बात, ठीक है। तो आप देखें कि क्या हो रहा होगा इधर, और बस वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगानी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो आप इसको करें पॉज और करें इसको सॉल्व। अब देखो बड़ा आसान एकदम लल्लू सवाल है, ये भी कहीं कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, वैसे देख के एक बार को लगता है हे भगवान रॉड आ गई, काइनेटिक एनर्जी न जाने कैसे लिखेंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा,
गिर रहा होगा तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, टकरा के उछ, अरे टकरा के उछलेगी नहीं उछलेगी वहां तक की तो बात ही नहीं कर रहे हम। हम तो कह रहे जस्ट बिफोर इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, बस गिरते वक्त जब वो एकदम ऐसा हॉरिजॉन्टल हो चुकी है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टकराने के बाद क्या हो रहा है उससे क्या मतलब मुझे? आपको पता है कि नॉर्मल लग रहा है ऐसा ऊपर है कि नहीं, कॉन्टेक्ट ही रहेगा, एमजी लग रहा है कुछ ऐसा नीचे की ओर, और कोई फोर्स है तो बता दो, बिल्कुल नहीं। तो आपको साफ साफ यहां पे समझ में आना चाहिए कि एक तो एमजी वर्क करेगा, एक करेगा यहां पे नॉर्मल, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कई लोगों को लगेगा कि यार ये पॉइंट तो स्लिप होगा, तो यार कैसे क्या करेंगे अब? अरे तो फर्क क्या पड़ता है भाई, अगर ये पॉइंट स्लिप हो भी रहा है तो वो होगा तो इसी लेवल पे, ऐसा ही तो जाएगा, इसी डायरेक्शन में तो जाएगा। और अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो नॉर्मल तो हमेशा वर्टिकल ही लग सकता है। तो नॉर्मल और उस वो जिस पॉइंट पे लग रहा है, नॉर्मल जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल इस पॉइंट पे लग रहा है इसका अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, तो नॉर्मल का वर्क आपके पास आ जाएगा जीरो। और ग्रेविटी का वर्क आप कितना कहेंगे, ये वाली जो लेंथ है आपके पास है एल बाय टू, तो ग्रेविटी जो होती है दोस्तों वो कहां लगती है, ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है रॉड वाले केस में हमेशा मिड पॉइंट पे। कहां, क्या बताया था मैंने आपको, ग्रेविटी फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा आपने। तो रॉड जो है उस पर ग्रेविटी का फोर्स कहां लगता है, एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए वो लगता है मिड पॉइंट पे, यूनिफॉर्म रॉड, ऐसा नहीं कि यहां ज्यादा हल्की वहां ज्यादा भारी, उसके लिए नहीं, यूनिफॉर्म अगर रॉड है तो वो मिड पॉइंट पे लगता है, ये बात ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास में ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो मतलब आरबीडी में, सॉरी, एमजी जो है वो कहां लगेगा, वो लगेगा सेंटर पे। अब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मुझे देखना है। अब यार ये रॉड तुम जानते हो फाइनली ऐसा लेट जाएगी, ये पॉइंट जो है कितना नीचे आया, पॉइंट कितना नीचे आया, तुमको लगता है सर ये पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर भी तो आ सकता है, चलो यार वैसे तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो सेंटर ऑफ मास में समझेंगे, लेकिन चलो मान लो तुम्हें लग रहा है कि वो थोड़ा इधर आ गया या उधर चले गया, तो भी भाई वर्टिकल सेपरेशन ही तो देखना है अपने को, वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेस होगा वो एल बाय टू साइन थीटा। तो ग्रेविटी का जो वर्क आएगा वो आ जाएगा प्लस का एम जी एच, एच है अपने पास एल बाय टू साइन थीटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमें निकालनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली जीरो है क्योंकि उसको रेस्ट से रिलीज किया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी एम जी एल बाय टू साइन थीटा, खत्म। बस इस तरीके से एक झटके में आपका रिजल्ट आ जाएगा बाय द यूज ऑफ, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। बिना देरी के बढ़ा जाए आगे, चलिए इस सवाल को भी देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा सा मैंने चला के इसको स्मूथ लिया, क्योंकि अगर मैं स्मूथ नहीं लूंगा तो आपको इंटीग्रेट करके फ्रिक्शन का वर्क निकालना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जो सवाल आपको होमवर्क दिया था उसी का इजियर वर्जन मैंने आपसे पूछा है, हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम के बिना आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ता। सवाल मैंने आपको कल होमवर्क दिया था जिसका आज मैंने जवाब दिया भी, वहां अगर मैं फ्रिक्शन हटा दूंगा तो कल तक की नॉलेज पे आप क्या कर सकते थे, आप जो है इंटीग्रेट करके ही वो निकालते कि ये फोर्स आप निकालते पहले और फिर उस फोर्स को इंटीग्रेट करते, मतलब उस फोर्स का वर्क निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करते विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहां आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम की खासियत देखिए, इस फोर्स का वर्क निकालूंगा बिना इसे कैलकुलेट किए, ये इसकी पावर है वर्क एनर्जी थ्योरम की। मतलब अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनएलएम ऑन सिस्टम, उसके बाद जो फिर आता है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं, सबसे ज्यादा नहीं, मतलब सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज अपने को दिखती है जो एकदम सवालों को बहुत ही छोटा कर देती है वो है एनएलएम ऑन सिस्टम, और दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम। और दोस्तों इन दोनों को भी मिक्स कर दोगे तो कई बार वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट। आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स को देखने की जगह पूरे सिस्टम पे एक साथ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, है ना। अब वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं यार, तुम्हारा खुद का भी दिमाग डेवलप, मतलब तुमको खुद को भी जूझना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं स्पून फीड कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होता। देखो है ना, तुम सोचो कि मैं सारे सवाल करा दूं एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल, उससे कुछ नहीं होगा। मैं अगर तुम्हें यहाँ ओलंपियाड की बुक भी ला के सॉल्व करवा दूंगा तो कुछ नहीं होगा, जो होगा वो होगा तुम्हारे एफर्ट से, ठीक है। तो आप ये समझो कि होगा वो आपके एफर्ट से, ठीक है।
आपको जूझना पड़ेगा टफ क्वेश्चन से। खैर यहां पे हम आपको जस्ट गाइड कर रहे हैं, तो एक गाइडेंस आप लीजिए कि क्या करने वाले हैं हम यहां पर। यहां मेरे को पूछना है कि पूरा चेन को खींच के ऊपर लाया गया, चेन को अगर खींच के ऊपर लाया गया तो उस स्थिति में चेन कैसी दिख रही होगी? चेन भाई साहब ऐसा ऊपर आ गई होगी, नो डाउट, है कि नहीं? चेन ऐसा ऊपर आ गई होगी। अच्छा, तो MG अगर अभी आप देखोगे तो इस वक्त आप देखें कि MG कहां लग रहा होगा, वो लग रहा होगा चेन, चेन के मिड पे। जब भी आपको ग्रेविटी का वर्क डन देखना है एक स्ट्रेट चीज के लिए, तो आप बस उसका ये देखें कि उसका मिड पॉइंट कहां से कहां डिस्प्लेस हो गया। क्या अभी ये स्ट्रेट है? हाँ सर। क्या अभी ये स्ट्रेट है? हाँ सर। सर बीच में लेकिन स्ट्रेट नहीं रहेगी, बीच वाले को छोड़ो, इनिशियल और फाइनल मोमेंट पे अगर वो स्ट्रेट आपको दिख रही है तो आप बस ये देखें कि वो उसका जो सेंटर है वो कहां से कहां पहुंच गया। तो यहां किस किसने वर्क किया? ऑब्वियसली इस एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, ऑब्वियसली ग्रेविटी ने भी वर्क किया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो है जीरो। क्यों? क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो आएगा ही नहीं, स्लोली आपको उसको मूव करवाना है स्लोली। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मुझे मतलब नहीं उस फोर्स से, मुझे ग्रेविटी से मतलब है। तो ग्रेविटी को अगर आप देखोगे कितना ऊपर गया ये पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो एल बाय टू लेंथ ऊपर चले गया है ना, वही स्ट्रिंग है मास एम लेंथ एल, एल बाय टू ये ऊपर चले गया है, तो ग्रेविटी का वर्क आएगा माइनस का एम जी एल बाय टू, फोर्स इन टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मिड पॉइंट कहां से कहां गया, तो एम जी एल बाय टू और ये जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस एम जी एल बाई टू। इंटीग्रेट करके निकालोगे तो भी ये आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम से एकदम छुटकियों में जवाब आया। तो फटाक से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सवाल की। अगेन एक बहुत ही प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। अक्सर ये सवाल अगर जब दिया जाता है तो बच्चा गड़बड़ करता ही करता है। सवाल क्या है वो सुनिए, सवाल ये पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक एम टू, M2 को चलाने के लिए ये फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए। एक बार आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। और मैं मानता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपने जो आंसर निकाला होगा वो भी मुझे पता है क्या निकाला होगा। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पहली बार ये चीज सॉल्व कर रहे हैं, जो भी लोग पहली बार ये चीज सॉल्व कर रहे हैं उनका आंसर क्या होगा वो भी मुझे पता है, एक बार टाइम में देख लूं, ठीक है। तो यहां पे उनका आंसर क्या होगा वो सुने, उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा, अरे ये कहां चले गया भाई, उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा कि सर देखो M2 को हमें मूव करवाना है सर जी, मैंने कहा बिल्कुल, और सर जैसा कि आपने यहां दिखा रखा है इधर भी फ्रिक्शन है, इधर भी फ्रिक्शन है, एक स्प्रिंग भी इससे जुड़ी हुई है, तो सर ये जो स्प्रिंग है तो जैसे जैसे आप इस पर फोर्स लगाओगे तो सिंपल सी बात है वो ये एक्सपैंड होगा। कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात, तो सर इसको फ्रिक्शन यहां से रोकने की कोशिश करेगा जो लगेगा म्यू टू एम टू जी, तो सर स्प्रिंग में जो है ना फोर्स कम से कम इतना होना चाहिए कि वो इसके इक्वल या उससे ज्यादा हो। तो सर लिमिटिंग केस ये बनेगा कि जब एक्स की वैल्यू इतनी हो जाए कि के एक्स जो है म्यू टू एम टू जी के इक्वल हो जाए तो सर समझ जाना कि वो एम टू जो है मूव कर जाएगा। एकदम सही बात, यहां तक आप लोगों ने एक भी गलती नहीं की, बिल्कुल यहां तक आप सही थे। इसके बाद जो आपने किया वो क्या किया, इसके बाद आपने कहा कि सर अब इसके अंदर एक्सपेंशन कैसे आएगा स्प्रिंग में, इसके अंदर जो एक्सपेंशन आएगा स्प्रिंग में वो ऑब्वियसली M1 को आगे बढ़ाने पर आएगा, M1 को आगे बढ़ाना है और कितना आगे बढ़ाना होगा, जितना वो x चाहिए उतना आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही बात, एग्रीड एकदम। आपको अगर वो M1 यहां था तो आपको उसको x यूनिट्स आगे लेके जाना होगा, और आप उसको अगर x यूनिट्स आगे लेके गए हैं तो इस तरफ मैं कहता हूं कि ये kx जो पीछे की तरफ लग रहा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जी देखो ये फोर्स कम से कम इतना होना चाहिए कि वो इस kx के और इस mu1, भाई इधर भी तो फ्रिक्शन लगेगा, इन दोनों को बैलेंस कर दे, क्योंकि इसको चलाने के लिए फ्रिक्शन को तोड़ना पड़ेगा और फिर ये फोर्स है तो इसको भी ज्यादा होना पड़ेगा। अक्सर बच्चे ये जवाब दे देते हैं कि भाई साहब मिनिमम फोर्स जो है वो आता है आपका म्यू वन एम वन जी प्लस के एक्स, और के एक्स की वैल्यू है कितनी, म्यू वन, ये तो एम वन जी आ गया, के एक्स की वैल्यू है म्यू टू एम टू जी। बस यही ये मामला गलत हो गया,
जैसे ही आपने ये सोचा यही ये मामला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगेन आप बात को यही समझें, आप लोग जो सोच रहे हैं वो कंसेप्ट में ही गड़बड़ है। आप क्या सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यहां जाके वो इक्विलिब्रियम, देखो आपने क्या कर दिया, इधर इक्विलिब्रियम में ला दिया इसको। तो जब भी कहीं वो एक्सपेंशन की बात हो रही है, आप उसको इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हो, इक्विलिब्रियम में लेके जा रहे हो आप, बल्कि उससे छोटे, इससे छोटे फोर्स पे भी ये पिछली चीज पॉसिबल है। अब तुम बोलोगे सर हाँ हमने तो ये सोचा, अब आप अपनी कहानी बताओ, आप क्या कह रहे हो और क्यों ये गलत है। पहले तो जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, बिल्कुल आप यहां तक ठीक हो कि इसमें एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, इतना कि यहां की लॉकिंग तोड़ दे ये स्प्रिंग का फोर्स। और उसके लिए आपने ये सोचा अगर कि ये जो है कम से कम इतना आगे तो आना चाहिए कि ये जो एक्स है ये इतना आए कि यहां पे जो के एक्स लगता है वो म्यू टू एम टू जी के इक्वल हो जाए। एकदम सही बात। तो मेन जो चीज हमको निकलती हुई दिख रही है यहां से वो ये है कि इस ब्लॉक को यहां पहुंचाना है किसी भी हाल में, इससे पहले नहीं रुकना चाहिए, इसके बाद इससे आगे चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे पहले नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे पहले रुक गया तो फिर रुक गया वो तो और आगे नहीं जाएगा। तो यहां अगर वो रुक जाता है तो x उतना नहीं बन पाएगा और ये फिर यहां पे लॉकिंग नहीं टूट पाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों कि यहां पे आके वो लिमिटिंग केस क्या बनेगा कि यहां पे आके रुकना चाहिए, अगर वो यहां नहीं रुक रहा तो और आगे जाएगा। आप सोचो एक फोर्स वो है जो इतना लगता है कि वो यहां आके रुकता है और एक फोर्स वो है कि वो इतना लगता है कि यहां आके भी वो नहीं रुकता है, दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? ऑब्वियसली वो फोर्स बड़ा होगा जो लगने पर ये यहां आके रुकता ही नहीं है, आगे बढ़ जाता है। तो मिनिमम फोर्स चाहिए, तो कम से कम फोर्स इतना लगाएं कि ये यहां तक तो पहुंच पाए, मतलब यहां आके वो रुक रहा होगा। तो रुक रहा होगा तो भाई साहब यहां अगर ये रुक रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है यहां पर, समझो बात को। जहां वेलोसिटी जीरो वहां इक्विलिब्रियम नहीं होता, पीछे से समझाते हुए आ रहा हूं पिछली स्लाइड से, मतलब स्टार्टिंग जो वो स्प्रिंग वाली बात कही थी मैंने, इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम एक्सपेंशन नहीं, ठीक है। तो आप इस बात को समझें। अब ऐसा भी मत बोल देना सर वो एक्सट्रीम वाला केस हो जाएगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मिड पॉइंट, नहीं नहीं यहाँ स्प्रिंग का फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन भी लग रहा है, यहां वो चीज मत लगा देना कि मिड पॉइंट वाली बात, ओनली स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है तब, है ना, और ग्रेविटी ग्रेविटी कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहे हैं तब। हाँ जी, तो अपन क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे यहां पर जब आप इसको देखते हैं, इधर इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, यहां तक ये M2 तो अभी भी मूव नहीं किया है तो ये तो अभी भी जीरो ही रहेगा भाई, और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसको मैं V बोल देता हूं, V2 U2 1, और ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आपके पास जो है V2 V1 भी क्या है, जीरो आ जाएगा। मतलब ये यहां जाके रुके और ये तो चला ही नहीं है, तो ये तो हिला भी नहीं, हिला कौन, सिर्फ ये तुमने जो फोर्स लगाया उसका वर्क कितना आएगा। तो देखो क्या क्या हो रहा है, वर्क डन बाय योर फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग, इसके ऊपर तीन फोर्स लगे, तीनों के वर्क, वो तो हिला ही नहीं तो उसमें वर्क लिखने की जरूरत ही नहीं, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि है जीरो, ये जीरो से चला था, यहां आके भी वो जीरो पे आके रुक गया है। तो यहां क्या होगा, यहां पर जो फोर्स का वर्क आएगा वो आएगा एफ मिनिमम इंटू एक्स, एफ मिनिमम इंटू एक्स, फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो आएगा म्यू वन एम वन जी इंटू एक्स, स्प्रिंग का जो वर्क आएगा वो आएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर, तो एक्स इनिशियल जीरो है, एक्स फाइनल एक्स है, तो ये आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। एक्स जो है जीरो हो नहीं सकता तो कॉमन आके आप काट सकते हैं, और यहां से आपके पास एफ मिनिमम की जो वैल्यू आई वो आई यू वन एम वन जी प्लस के एक्स बाय टू, और के एक्स जो आपका है वो आ जा रहा है कितना, वो आ रहा है म्यू टू एम टू जी बाय टू, मतलब आप लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने जो सवाल का जवाब दिया था उससे छोटी वैल्यू आ रही है,
ना, आपने जो फोर्स बताया है उस पर भी वो हिल जाएगा ये ब्लॉक, लेकिन भाई वो मिनिमम फोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहां आके वो रुकेगा नहीं, यहां आके तो वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो यहां आके तो उसकी सबसे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो और आगे जाएगा। आप बात को समझे, आपने जो ये काम किया यहां, आपने इसको इक्विलिब्रियम में लाया, इक्विलिब्रियम में लाया मतलब इससे पहले इक्विलिब्रियम में था ही नहीं, तो यहां आके रुकेगा नहीं, यहां आके तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, समझते हो बात, मैक्सिमम होगी उसकी वेलोसिटी, मतलब इससे कम फोर्स पे भी वो यहां पहुंच सकता है। तो इस तरीके से हम यहां पर ये बात को समझेंगे और ये रिजल्ट अपना निकल के आएगा। बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल को अगर हम यहां देखें तो अभी वापस से हमसे यहां पूछा गया है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, इनिशियली द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड एंड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन इन द पुली फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। मतलब पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, सब कुछ वही है जो हम लेके चलते हैं। ये ब्लॉक है और ये स्प्रिंग, अपना स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया हुआ है कि अभी हाल फिलहाल ये नेचुरल लेंथ पर है, सवाल के अकॉर्डिंग ये मान लीजिए नेचुरल लेंथ पे है और इसको मैंने रेस्ट से रिलीज किया, रेस्ट से रिलीज किया मतलब यहां इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना आएगा। अब आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी पुली भी नीचे जाएगी, लेकिन ये जितना नीचे जाएगा तो पुली कितना नीचे जाएगी वो इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर स्प्रिंग में एक्सपेंशन आता है तो इसमें कितना एक्सपेंशन आएगा ये आपको समझना होगा। तो यहां दोस्तों हम क्या बोलेंगे, हम बस यही कहेंगे कि इधर जगह आप देखते हो तो एक्सपेंशन आपको देखना है कि कितना मैक्सिमम एक्सपेंशन उसमें आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये कैसा था, ये था आपका रेस्ट में है कि नहीं, ये है रेस्ट में, और जब वो मैक्सिमम नीचे जा रहा होगा तो यहां पहुंच के जब वो वापस रेस्ट में आ जाएगा, या आप बताओ क्या कर सकते हैं, आप एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सपेंशन क्या है का डबल कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। खैर, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बोलेंगे यहां रेस्ट पे था और यहां जाके वो रेस्ट पे आएगा। तो आप इस चीज को समझें कि मान लो ये एक्स वन चलता है, इसके एक्स वन चलने से पुली भी कुछ नीचे जाती है, पुली कितना नीचे जाती है वो मान लो एक्स टू नीचे जाती है। एक्स वन और एक्स टू में क्या रिलेशन आएगा, बड़ा सिंपल रिलेशन है, आप सोच के देखो। एम को मान लो मैंने हाथ से यही पकड़ लिया, डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालता हूं, और मैं पुली को खींच के ले आया नीचे, पुली को जैसे मैं खींच के लेके आ रहा हूं तो एक्स टू, एक्स टू कितनी रस्सी ढीली होगी, टू एक्स टू। पुली को नीचे, ये एनएलएम में डिस्प्लेसमेंट मेथड सिखाया है मैंने, पुली को जब मैं एक्स टू नीचे खींच के लाऊंगा तो एक्स टू इधर, एक्स टू इधर, टू एक्स टू रस्सी ढीली होगी। तो ये अगर एक्स वन जा रहा है तो कितना इसके पास ऑप्शन है मूव करने का, टू टाइम्स ऑफ एक्स टू, ये इतना ही जा सकता है। मतलब अगर एक्स टू आपका एक्स है तो ये जो है आपका वो टू एक्स आएगा। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि ब्लॉक कितना नीचे जाएगा। खैर, तो यहां मैंने क्या लिया, एक्स टू को ले लिया एक्स, तो ये आ गया अपने पास टू एक्स, क्योंकि इसके एक्स नीचे मूव होने से ये एक्स एक्स ढीली होगी तो ये टू एक्स नीचे मूव करेगा। अब हम लगा देते हैं वर्क डन वाला केस, किस किसने वर्क किया पूरे सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे वर्क कर रही है ग्रेविटी, स्प्रिंग, टेंशन जिसका वर्क डन सिस्टम पे जीरो होता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो भी जीरो है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे फाइनली भी रेस्ट पे पुली तो मासलेस है। तो यहां जब आप देखोगे तो ग्रेविटी का जो वर्क आएगा वो सिर्फ इस पे होगा, वो कितना होगा, वो आएगा एम जी इंटू टू एक्स, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी। स्प्रिंग का जो वर्क आएगा वो आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि इनिशियल जीरो है फाइनली एक्स है, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म। बस यहीं पे मामला एकदम रफा दफा हो जाएगा और मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग इज एक्चुअली व्हाट इट इज, 4mg by k, मैक्सिमम एक्सपेंशन जो आएगा स्प्रिंग का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4mg by k, और ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, ये जाएगा 8mg by k नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं क्या क्या है। और जैसे ये सवाल देख रहे हैं अभी हम, इस सवाल में क्या कहा गया है,
इसमें कहा गया है कि ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग पुल्ड बाय कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन फिगर. इनिशियली स्प्रिंग इज देन नेचुरल इन द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क दैट दैट द अप्लाइड फोर्स कैन डू इज. कितना वो वर्क कर सकता है, मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है भाई. सिंपल सी बात है, जहां तक ये चलेगा, जब ये आके रुक जाएगा, जो मैक्सिमम एक्सपेंशन अगर आप पता कर ले, बस आप यही समझे कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क जो ये कर सकता है वो यही होगा कि इतना यहां से यहां तक का वर्क. देन द मैक्सिमम कैन डू इज, तो वो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कितना आएगा. सिंपल सी बात है, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क इज एक्चुअली एफ इंटू एक्स मैक्स, एफ इंटू एक्स मैक्स. अब एफ तो आपको दिया गया है लेकिन ये एक्स मैक्स नहीं दिया गया है, ये कैसे निकालेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम, या डायरेक्ट भी आप बता सकते हो भाई, जहां इक्विलिब्रियम आएगा उसका जस्ट डबल होगा. ये नेचुरल लेंथ है, ये इधर वाला एक्सट्रीम हो गया, ये इधर वाला एक्सट्रीम हो गया. जहां इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी उसका जस्ट डबल आएगा. मतलब इक्विलिब्रियम कितना आएगा, इक्विलिब्रियम अगर आप थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे, इस वाले पोजीशन पे आने के बाद इधर एफ लगेगा, इधर लगेगा के एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एफ बाय के. इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे आएगी, एफ बाय के पर. तो ये एक्स मैक्स कितना आएगा, उसका डबल. तो आंसर आ जाएगा आपके पास एफ इंटू टू एफ बाय के, एफ इंटू टू एफ बाय के. तो आंसर आ जाएगा टू एफ स्क्वायर बाय के, एक ही झटके में निकल गया. बाकी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है तो मैं निकाल के देता हूं. तो क्या बोलेंगे हम कि वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कि सबसे ज्यादा वर्क कहां तक होगा, जितना चला है वो सारा वर्क लिख दो भाई. ये कितना वर्क कर सकता है, जितना ये कर सकता है वो सारा लिख दो. तो कब तक वर्क करता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा. मतलब यहां जाके जब वो रुकेगा, तो रुकेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो तक पहुंचा. वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय एफ आएगा आपका एफ इंटू एक्स मैक्स, और वर्क डन बाय स्प्रिंग आ जाएगा हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर. सब वही हिसाब पेटी चीजें वही रिपीट हो रही है. तो एक्स मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टू एफ बाय के. सिंपल. और 2f by k जैसे ही आ गया तो बस x max की वैल्यू यहां रखो. वो डायरेक्ट भी आप बता सकते थे, आंसर यहां से सीधे सीधे आपको मिल जाएगा. आइए एक और बढ़िया सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, टाइम देखते हैं पहले. तो इस सवाल में क्या कहा गया, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्मूथ हॉलो सिलेंडर. ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, उसमें एक ब्लॉक रख दिया, इसका मास है m. एंड हूज एक्सिस इज केप्ट हॉरिजॉन्टल. Initially system was at rest, system पूरा rest पे. Now cylinder is given a constant acceleration 2g, जैसा कि आपको दिख रहा है, in the horizontal direction by some external agent. The maximum angular displacement of the block with the vertical is. अब आपको पता है कि यार इधर अगर इस पे acceleration है तो एक pseudo इस पे इधर लगेगा जो इसको इधर displace करवाएगा. तो यहां आप देखो, इस सवाल में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जब ऐसी कुछ चीजें आ जाए तो आप work energy theorem moving frame में बैठ के लगा दो यार. लेकिन मूविंग फ्रेम में अगर आप बैठे हो तो आप ये चेक करो कहीं वो एक्सेलरेटेड तो नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेलरेटेड हुआ तो स्यूडो फोर्स देखना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, मैंने ये सवाल को करने के लिए सवाल में पूछा है कि कितना यहां तक डिस्प्लेस हुआ, कितना जाएगा ये यहां आगे. अब ऐसा मत सोचे ना वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ढूंढ के निकाल लो. ध्यान से सुनो, मैंने कहा इसके दो तरीके हैं. एक पहला तरीका वर्क एनर्जी थ्योरम, एक वो इक्विलिब्रियम का डबल. एक है इक्विलिब्रियम का डबल. ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने यहां पे कहा कि ये आपके पास ब्लॉक था. मैंने कहा यार बैठ जाते हैं यहां सेंटर पे, सेंटर पे एक बंदे को जो है बैठा दिया, बोले बैठ जा भाई मस्त. बैठ गया ये यहां पे बंदा. अब ये बंदा जो है ऐसा बैठ गया और देख रहा है इसको. अब ये बंदे का भी एक्सेलरेशन जो है ना इस तरफ है, ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई साहब देखो नीचे mg तो लग रहा है लेकिन इस तरफ एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा जिसको मैं कहूंगा कितना m इंटू टू जी. मास इसका और एक्सेलरेशन मेरा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन. और इधर ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, और इधर जो है एक लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा क्या नॉर्मल. अब इसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉक है वो कुछ ऐसे 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 चलता हुआ आया, और मान लो इसके अकॉर्डिंग वो यहां पे रुक गया, इसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक यहां पर रुक, इतना एंगल चला भाई.
कहेगा कि यार देखो मेरे हिसाब से तो इतना एंगल चला है, इतना एंगल चला है, और हमें जो है वो क्या क्या दिया गया है, रेडियस इसकी आर दी गई है, आर रेडियस है। तो इस दौरान आपको ये समझना होगा नॉर्मल का वर्क इसके हिसाब से जीरो है, इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, रेस्पेक्ट टू अर्थ डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, ये बात को समझ, रेस्पेक्ट टू अर्थ ये ऐसा भी चल रहा है और आगे भी जा रहा है, तो नॉर्मल का वर्क जीरो नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, इसके हिसाब से इस फ्रेम में ये खासियत है इस फ्रेम की, नॉर्मल का वर्क नॉन जीरो आ जाएगा। तो एक आफत अपनी हटी और अब ये दो फोर्स बचे हैं, दोनों ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट फोर्स का वर्क हमको पता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, मतलब कहने का ये है कि पहले तो हम कलर यार पूरा कुछ और कलर ब्राउन काम तुम कलर की थोड़ी कोई बात नहीं। यहां हम कह रहे हैं कि ये जो 2mg है तो ब्लॉक यहां से यहां आया, तो भाई साहब मुझे मतलब है इस डिस्प्लेसमेंट से नहीं, मुझे मतलब है इस वाले कंपोनेंट से, और ग्रेविटी के लिए मुझे मतलब है इस वाले लेंथ से, तो मैं निकालना चाहूंगा ये लेंथ और ये लेंथ, और मैं ये जानता हूं कि ये मेरे पास r है, तो इसको मैं कह देता हूं x और इसको मैं कह देता हूं y, ठीक है ना। तो आपको यह समझ में आना चाहिए इधर से, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके हिसाब से मेरे भाई ये जब चलने लगा था तो ये भी रेस्ट में था और ये भी रेस्ट में था, तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो, तो मैं बैठा हुआ देख रहा हूं, मैंने ब्लॉक को देखा भाई ये तो जीरो पे, और फिर ये ऐसा डिस्प्लेस होते हुए गया यहां, और यहां पे भी मेरे हिसाब से तो रुकेगा, ये रुकेगा तो यहां पर भी वो रेस्ट पे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, नॉर्मल का वर्क जीरो, और स्यूडो फोर्स का जब मैं वर्क देखूंगा तो फोर्स आ रहा है आपका 2mg और डिस्प्लेसमेंट है आपका x, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये आ जाएगा कैसा पॉजिटिव, ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर वर्टिकल, तो ये आ जाएगा नेगेटिव इज इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है ये बात। यहां से आपको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि इधर से आपको दिख रहा है 2x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू y, मतलब यहां से अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूं, tan थीटा आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है x अपॉन ये चीज, और ये आ जाएगा r माइनस y, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन r माइनस y, या अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो आप ऐसा लिख दीजिए, x की वैल्यू जो है आप लिख दीजिए कितनी, r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा, x जो है वो लिख दीजिए r sin थीटा, और y जो है वो आ जाएगा r माइनस r cos थीटा, ये आ जाएगा r माइनस r cos थीटा, r से r से r से ये सी चीज कैंसिल हुई, और यहां से जो आपको रिजल्ट मिला वो मिला 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये कहानी आपको यहां से बनती हुई दिख रही है, या आप इसको जैसे लिखना पसंद करें वैसा ठीक है भाई, इसको मान लो आप इसको नीचे लेके जाना चाहते हो तो ठीक है, ऐसे भी देख। अब ये जो चीज है इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा जा सकता है, कैसे भी आप लिख सकते, आप मतलब सॉल्व करना चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, ये एक आपके पास रिलेशन आता हुआ आपको, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने में वैसे हम क्या कर सकते हैं, एक इसको साइन साइन थीटा इसको ऐसा कर लेते हैं, कॉस थीटा कर, ठीक है ठीक है। तो ये अपने पास एक रिलेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है ना, ये अपने पास एक रिलेशन आता हुआ दिख, वैसे इसको यार क्या है ना, इसको आप इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हो, मतलब तो मैं बोल दूं r cos थीटा, इसको मैं बोल दूं r sin थीटा, जो 1 लिखा हुआ है इससे हम r की वैल्यू निकालेंगे, sin थीटा बहुत अलग चीज हो जाएगी। ये एक रिलेशन अपने को बनता हुआ दिख रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम से, लेकिन उससे भी आसान तरीका जो है वो क्या कह रहा है, आप निकाल लो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में,
ये क्या कहेगा भाई, मेरे रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कहां आ रहा होगा, वो आ रहा होगा यहां, मेरे रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम आ रहा होगा कहीं यहां पर, ठीक है। और वो इक्विलिब्रियम का जस्ट डबल जो एंगल है ना, वही अपना जो है आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग यही कहानी होगी, इक्विलिब्रियम का जो जस्ट डबल है वही जो है वो अपना एंगल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो देखो कैसे क्या करेंगे वो सुनो, मैंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम अगर कहीं आ रहा है तो इक्विलिब्रियम कहां आएगा, इधर है अपने पास mg और इधर है अपने पास 2mg और ये नॉर्मल, तो जहां ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे वही इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब ये एंगल थीटा। या आप ऐसा कह सकते हो यार, मतलब डायरेक्ट तो पता नहीं तुम समझोगे, मैं ऐसे ही बता दूं कि एन का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, तो आप लिख सकते हो कि एन कॉस थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, ऐसे ही एन साइन थीटा जो है वो किसको, एम जी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और एन एन एम जी ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, डिवाइड अगर कर दिया इनको, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू, ये इक्विलिब्रियम वाला एंगल है, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम वाला एंगल, ठीक है। ये अपने पास आ जा रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 2 और इक्विलिब्रियम वाला एंगल आ जा रहा है अपने पास tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 और थीटा जो है वो इस जस्ट इक्विलिब्रियम का डबल होगा, तो आपका थीटा जो है वो आंसर आ जाएगा इधर से टाइम्स ऑफ tan इनवर्स। अब आपका घर पे टास्क जो मैं दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, तो ये है यहां पर भी आपको थीटा टैन मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो ये निकालनी है टैन इनवर्स 2, 2 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स 2। अब ये यहां से आप कैसे निकालोगे ये आपकी मर्जी, इसको मैंने आप पे छोड़ा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा के ऐसा बोल सकते हो कि आप किस रिजल्ट तक पहुंचे, किस रिजल्ट तक पहुंचे, ये एक्स ये वाई, बाकी की जो कहानी है वो आप बताएंगे मुझे कि कैसे कैसे आप क्या लिखेंगे, है ना, इस थीटा को निकालना। ये थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहां पे दे देना चाहता हूं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना अपना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं यहां बना देता हूं, ये आर आप ये समझें, सबसे पहले तो आपने एक तो ये x और ये y इसमें रिलेशन निकाल लिया, नो डाउट आपको ये एंगल पता है, इसको मैं phi बोल देता हूं, ये आप बड़े आसानी से लिख सकते। यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, ये phi है तो ये भी phi होगा क्योंकि ये r और ये r। अब अगर आप ये वाला एंगल निकाल लेते हो इन टर्म्स ऑफ phi, तो आप ये पूरा एंगल भी निकाल लेंगे, बस ये आपका टास्क है। तो मैं सवाल यहीं पे छोड़ूंगा, ये एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, चलो जैसे थोड़ा सा मैं और बताता हूं, टेन फाइव जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स बाय वाई, और एक्स बाय वाई कितना है, वो है हाफ है, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि कॉट फाइव जो है वो कितना है क्या, बिल्कुल। अब ये वाला जो एंगल है जिसको हमने मान लो थीटा नॉट कह दिया, तो थीटा नॉट कितना होगा, थीटा नॉट जो है वो आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 5। अगर मैं यहां से टेन थीटा नॉट निकालता हूं तो वो आ जाएगा टेन पाई बाय 2 माइनस 5। सर आप ऐसा क्यों निकाल रहे हो, पर क्योंकि कॉट 5 की वैल्यू पता है और टेन पाई बाय 2 माइनस 5 कॉट 5 होगा, तो कॉट 5 तो ये आ जाएगा अपने पास 2। इस तरीके से आप tan थीटा नॉट 2 निकाल लोगे और थीटा नॉट जो आपने इक्विलिब्रियम बोला था वो आपका आ गया रिजल्ट tan इनवर्स 2 का डबल। इस तरीके से आपको कुछ है ना, तो कई बार देखो होता क्या है ना दोस्तों, जैसे मान लो आप यहां तक तो पहुंच गए लेकिन फिर यहां से यहां पहुंचना उसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। खैर इक्विलिब्रियम वाला कांसेप्ट आपको क्लियर है तो झटके से निकल जाएगा आंसर। देखो ये वही ट्रिक हो गई इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, है ना, कि ये इसकी एक एक्सट्रीम ये इसकी एक एक्सट्रीम, तो इक्विलिब्रियम एकदम मिड में होगा, वही स्प्रिंग वाला केस, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, इस टाइप से आपको पता लगना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से ये बता सकते हो।
चलिए अभी हम बात कर रहे हैं इस सवाल की। ये सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में आपको कहा गया है स्मॉल पार्टिकल स्लाइड्स अलोंग अ ट्रैक विथ एलिवेटेड एंड्स एंड अ फ्लैट सेंट्रल पार्ट एज शोन इन द फ्लैट पार्ट हैज अ लेंथ 3 मीटर, ताकि आपको देखा। द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द ट्रैक आर फ्रिक्शनलेस। ये कर्व्ड पोर्शन जो है वो फ्रिक्शनलेस है, इधर सिर्फ रफ है ट्रैक। तो मैं ऐसा दिखा देता हूं करके, ये वाला हिस्सा रफ है। बट फॉर द फ्लैट पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। कितना है भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे? 0.2। पार्टिकल इज रिलीज्ड एट पॉइंट ए व्हिच इज एट हाइट एच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर अबव द फ्लैट पार्ट ऑफ द ट्रैक द पोजीशन वेयर द पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट। यहां से इसको छोड़ा और ये हाइट आपको दे रखी है 1.5। ये यहां से ऐसा नीचे जाएगा, क्या पता है इसकी सारी एनर्जी। देखो यहां पे ग्रेविटी कुछ पॉजिटिव वर्क करेगी और फ्रिक्शन कुछ नेगेटिव वर्क करेगा। हो सकता है ये आते आते यही पहली बार ही बीच में रुक जाए, हो सकता है ये यहां पर आके भी नहीं रुके तो और ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के वापस नीचे आएगा, फिर दूसरी बार में रुक जाए। क्या पता दूसरी बार में भी नहीं रुके, फिर थोड़ा सा और ऊपर चले, फिर तीसरी बार में वो रुक जाए। तो हमें नहीं पता ये कितनी बार ऐसा ऐसा जाके फिर रुकेगा। पहली बार में रुक जाए, ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर तीसरी चौथी बार रुकेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी बात क्लियर है कि अगर ये रुकेगा तो रुकना तो इसको यही पड़ेगा, इधर तो ये नहीं रुक सकता क्योंकि स्लिप होके वो नीचे आएगा। तो रुकेगा तो यही रुकेगा, इसी सरफेस पर, क्लियर। अब अगर वो इस सरफेस पे कहीं रुक रहा है तो फाइनली यहां पे उसकी स्पीड कितनी थी? 0। और यहां पर भी उसकी होगी 0 ही होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है बड़े आसानी से आप कह सकते हो कि वो 0 होगी। तो किस किस ने वर्क किया? ग्रेविटी ने वर्क किया, फ्रिक्शन ने वर्क किया और नॉर्मल, और कुछ नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो नॉर्मल का वर्क 0, ग्रेविटी का वर्क भाई। फाइनली वो यहां से यहां आया तो एच डिस्टेंस नीचे आया है, और अगर नीचे आया है तो ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा प्लस का mgh, और फ्रिक्शन का वर्क। अब यहां खास बात है फ्रिक्शन के वर्क में, आप बात समझना। मुझे नहीं पता है कि ये कितनी बार, मुझे नहीं पता है कि ये कितनी बार ऐसे ऐसे चला है इस पे, लेकिन ये जरूर है अगर वो एक बार ऐसे चलता है तो वर्क कितना आएगा? माइनस का म्यू एम जी एक्स। फिर मान लो वो कुछ पहले एक्स वन चला तो म्यू एम जी एक्स वन, एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर। फ्रिक्शन में हमेशा क्या होता जाएगा कि वर्क जब भी आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का म्यू एम जी इंटू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन दिस रफ ट्रैक। जैसे कि मान लो ये 3 मीटर था तो वो एक बार चल गया तो क्या लिखोगे आप? माइनस का म्यू एम जी इंटू 3। फिर दोबारा भी पूरा चल गया तो वापस माइनस का म्यू एम जी इंटू 3। फिर तीसरी बार में मान लो वो वापस पूरा चल गया तो माइनस का म्यू एम जी इंटू 3। और जब चौथी बार आया था वो एक डिस्टेंस ही चला, एक यूनिट ही चला, तो माइनस का म्यू एम जी इंटू 1। अब वो क्या दिख रहा है? ये माइनस का म्यू एम जी तो कॉमन आ जा रहा है, और 3 + 3 + 3 + 1 मतलब एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार थोड़ा सा। तो टोटल डिस्टेंस ऑन द रफ ट्रैक वो एड हो जा रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। मैं यहां से सीधे सीधे क्या कह सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज एक्चुअली म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ट्रैक। ट्रैक पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैं कह देता हूं एक्स कटा ये कटा। अब एच की वैल्यू है 1.5 और ये है अपना कितना 0.2, और ये आ गया एक्स। एक्स आ गया अपने पास 15/2। 15/2 मतलब ये आ गया 7.5 मीटर। 7.5 मीटर, ये सब कुछ सही लिखा। 7.5 मीटर मतलब टोटल डिस्टेंस जो रफ ट्रैक पे चलेगा वो 7.5। 3 एक बार चला, फिर चला तो 6, 3 और 3 6, 1.5 और चलना है, 1.5 और चलेगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आके रुकेगा यहां पर, राइट टू द मिड पॉइंट ऑफ द फ्लैट पैनल, मिड पॉइंट ऑफ द फ्लैट पार्ट पैनल ही पार्ट। सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, इसमें कहीं कोई तकलीफ मेरे हिसाब से आपको नहीं हुई होगी, सिंपल था ये, ठीक है। अब यार देखो टफ तो वो होगा ना जिनमें कहीं कुछ कैलकुलेशन तगड़ी सी हो रही हो, मतलब यहाँ कुछ ही खास मुझे को लगता नहीं इन सवालों में ना, ऐसा कुछ है नहीं। फिजिक्स बहुत इजी, बस सोचने भर के दे ना कि बस। देखो दिक्कत क्या है ना, फिजिक्स आपको सवाल जो होते हैं फिजिक्स के, तो आपको एक तरीके से लॉजिकल होते हैं, आपको सोचना पड़ता है।
ये ना मतलब थोड़ी सी आपकी लॉजिकल रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या चीज हो रही है, तो आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। एक बार अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो फिर आपके सवाल जो है इजी बन जाते हैं। हाँ, हालांकि आईआईटी में ऑब्वियसली आप जब नया देखोगे तो कई सवाल आपको जोड़ सकते हैं, कई सवाल सच में टफ हो सकते हैं कि वो बड़े अजीब लगेंगे, कई सवाल आपको फंसा सकते हैं, लेकिन ये सवाल अगर देखा जाए तो ये फंसाने वाले सवाल नहीं है। ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ऑन द रफ ट्रैक फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.1, ब्लॉक स्ट्राइक्स अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस इतना विद वेलोसिटी इतना, और आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो भाई साहब ये ब्लॉक जो है 22 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है इस स्प्रिंग से, कंप्रेस करेगा इसको। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये कंप्रेस करता है, इसको ये कंप्रेस करता है स्प्रिंग को, मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है वो जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो किस किसने वर्क किया? वर्क किया स्प्रिंग ने, वर्क किया फ्रिक्शन ने, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग का वर्क माइनस का हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, फ्रिक्शन का वर्क माइनस का म्यू एम जी एक्स मैक्स, यहां से यहां ये भी उतना ही चला है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू के फाइनल जो कि जीरो है, और के इनिशियल हाफ एम और वी स्क्वायर। अब अगर हम यहां से देखें तो आपको मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, तो जो भी यहां पे चीजें दे रखी है वो आप देख लें। तो ये हमको न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, यार पीछे अपने गड़बड़े तो हम क्या कह रहे थे कि इसकी बात कर रहे थे, तो यहां पर के की वैल्यू जो है वो न्यूटन पर मीटर है। भाई आप रखें क्या आ जाएगा, माइनस का 50 एक्स मैक्स का स्क्वायर, के की वैल्यू 100 रख दी, न्यू न्यू है 0.1, एम आपके पास कितना है 50, तो ये 500 आ जाएगा, अरे 0.1 है तो ये भी 50 ही हो जाएगा फाइनली फिर, ठीक है 50 एक्स मैक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 50 इंटू एक टू से एक टू कट गया, 50 कॉमन आके कट गया, और आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ जा रहा है एक्स मैक्स का स्क्वायर प्लस एक्स मैक्स और माइनस का 2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास चीज बन रही है, ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा है भाई, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, बन जाएगा अपने पास 2x मैक्स माइनस का x मैक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की एक वैल्यू आएगी अपने पास कितनी 1 और एक आएगी माइनस 2, ऑब्वियसली आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं, बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं और कुछ खास नहीं कर रहे हैं, और कुछ खास नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम के अलावा और कुछ यहां नहीं हो। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, एक बार मैं टाइम देख लेता हूं। यह सवाल बड़ा प्यारा सवाल, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने में अगर किसी को वो कंसेप्ट नहीं पता है तो लिटरली उसके पसीने आ जाएंगे भाई सॉल्व करने, तो उसको लगेगा ये सवाल बेकार है, ये नहीं लगेगा कि उसमें खराबी है, मतलब उसके अप्रोच में खराबी है, तो लगेगा कि सवाल ही खराब है। सवाल क्या है सुनो, और अप्रोच क्या है वो भी सुनो। सवाल ये है कि 10 केजी का एक ब्लॉक है जो आपको दिया हुआ है, इस पुल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है मतलब ग्रेविटी कंसिडर करनी है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विच इज इन अ फॉर्म ऑफ आर्क, एक आर्क है ये, और ये 60 डिग्री आपको दिया गया है, तो ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आर ही हो जाएगी, कोई दूरी है नहीं। अप्लाइड फोर्स जो आपका है रस्सी के थ्रू इसको खींचा जा रहा है और वो है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन वो फोर्स है। द ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट ए एंड स्पीड एट बी वुड बी, ए पॉइंट ये है, इसमें पता नहीं रखा लेकिन मुझे पता है सवाल के बारे में, तो ए से वो बी तक वहां पहुंच रहा है, ए पे वो रेस्ट पे है, बी पे जाके उसकी क्या वेलोसिटी होगी? तुम बोलोगे सर हिट कर जाएगा, तो कितने वेलोसिटी से हिट करेगा वो ये पूछना चाह रहे हैं। अब अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं वो सुनो, पहली बात जिसको फिजिक्स आती है वही ये करेगा, तो नहीं आती वो तो छुएगा भी नहीं है सवाल, है ना, इसकी वीक है, इसकी फिजिक्स ठीक ठाक है, वो भी क्या करेगा ये गलती करेगा, क्या करेगा वो देखेगा अच्छा यहां से यहां वेलोसिटी वर्क एनर्जी थ्योरम कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सोचेगा यार कोई टेंशन नहीं है,
अपने को करना क्या होगा ना कि बस कुछ यहां पर कुछ ऐसा अपने को कहानी लिखनी होगी कि भाई ये ठीक है, ये आर्क है अपने पास, ये ब्लॉक अभी हम कुछ यहां तक ले आए, ब्लॉक पे ही तो वर्क लिखना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो लगानी है, यहां से वो ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने लगेगा और उस दिमाग की धई हो जाएगी। क्यों होगी वो मैं बताता हूँ ना, वो जब बात करेगा mg के फोर्स की तो वो कोई तकलीफ नहीं देगा उसको, क्योंकि उसको पता है mg तो एक कांस्टेंट फोर्स है और उसका वर्क लिखने के लिए यहां से यहां के बीच का वर्टिकल सेपरेशन उसे देखना होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। यही अगर वो जब बात करेगा इस नॉर्मल फोर्स की कि वो उसे कोई टेंशन नहीं होगी, उसे पता है कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन जब वो नजर डालेगा इस फोर्स के ऊपर तो उसके दिमाग की धई होने लगेगी और वो देखेगा कि भाई साहब ये एंगल और डिस्प्लेसमेंट उसमें काफी अंतर है, मतलब सॉरी ये टेंशन और डिस्प्लेसमेंट उसमें काफी डिफरेंस है, एक एंगल आ रहा है और ये एंगल भगवान जाने कैसा आ रहा है, जब वो यहां था तब ये एंगल कुछ ऐसा आएगा और यहां होगा तो ये एंगल ही उसे परेशान कर देगा, यार न जाने क्या ही एंगल बन रहा है, क्या मैं करूं क्या नहीं करूं। तो थोड़ा सा कोई सोचेगा तो क्या सोचेगा कि यार देखो अभी ये ऐसा है, वो देखेगा कि ये एंगल को अगर मैं थीटा बोल देता हूँ, मैं थीटा के टर्म्स में ये वाले एंगल को निकाल सकता हूँ, ये मुझे पता है, ये मुझे 90 डिग्री पता है, ये भी फाई पता है, तो ये एंगल मुझे पता लग जाएगा, वो 90 माइनस फाई आ जाएगा, तो वो लिख देगा कि ये जो फोर्स है उतना ही टेंशन और डिस्प्लेसमेंट और 90 माइनस फाई को इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब काफी कुछ वो सोचेगा और जो है चीजें उससे नहीं हो पाई। अप्रोच सुनो। अच्छा दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यार सर आप फास्ट जा रहे हो आज, यार देखो दो चीजें हैं ना, मेरे पास टाइम है थोड़ा कम, आपको ये बात समझनी होगी कि चार महीने अपने पास है ना, चार महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं होते भाई साहब, तरीके से अगर पढ़ा जाता है चार महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि हमारे पास डिस्कशन वाली जो है वो चीज नहीं है ऑनलाइन पे, अगर आप देखें जैसे तो जनरली क्या होता है कि क्लास में आप एक लिमिटेड क्वेश्चन कराते हो और फिर वो होमवर्क दे देते हो, बच्चा ट्राई करता है, अगले दिन आते हैं हम उसको बता देते हैं, है ना, उसमें एक बहुत ही सही चीजें रहती हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो तो अब लिमिटेड टाइम होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज, मतलब मुझे करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा जैसे फास्ट, शायद आप लोगों को लगा हो कि फास्ट चलेगा, है ना, इसकी वजह से कई लोगों को शायद ऐसा हो सकता है कि उनको लगा हो कि सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया आज के क्वेश्चंस जो थे, है ना, वो बिल्कुल हवा में ऊपर से गए, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यार एक तो हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, दूसरा ये भी है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको, ऐसे नहीं कि बस हवा में काम हो जाएगा, हवा में बातें कर लेंगे कि अरे हाँ मतलब इजी क्वेश्चन करके काम चल जाएगा, है ना, वैसे नहीं, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। खैर मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि अपने पास नहीं है उसके बर्बाद करने के लिए समय, तो आप इस बात को समझे, मैं यहाँ पे अप्रोच लगाऊंगा, क्या मैं अप्रोच लगाऊंगा कि मेरे को पता है टेंशन का वर्क डन ऑन सिस्टम इज जीरो, तो मैं ये पूरा सिस्टम उठाऊंगा, पूरा सिस्टम मतलब ये ब्लॉक और ये रस्सी, सर इससे ऐसा क्या फायदा हो जाएगा मैं बताता हूँ ना यार, तो ये ब्लॉक और ये रस्सी, तो इसके ऊपर ये एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, mg मेरा एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, नॉर्मल मेरा एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, उसका वर्क सिस्टम पे जीरो होता है तो उसका अब हेडेक ही नहीं है मुझे। तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, जो टेंशन मेरे को दिक्कत दे रहा था उस टेंशन को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स उसको माना ही नहीं, सिस्टम कुछ ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये इंटरनल बन गया, और टेंशन का इंटरनल फोर्स सॉरी टेंशन का वर्क सिस्टम पे क्या होता है जीरो। वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये जो है आपके पास ये आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ए फाइनल माइनस, बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जितना डिफिकल्ट ये टेंशन का वर्क था उतना ही आसान ये बना देगा इसे, कैसे, ये फोर्स एक कॉन्स्टेंट फोर्स है और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाला पॉइंट, बस मुझे ये देखना है कि ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ, तो रस्सी यहाँ पे आर थी,
जब ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा तो ये सारी आर रस्सी आपको इधर दिखेगी, मतलब रस्सी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो है वो आर यूनिट्स का होगा। सर ये आर कैसे आया? भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये भी 60, ये भी 60, ये आर आ जाएगा, आर आर आर। यहां से यहां जब वो पहुंचेगा तो ये पॉइंट आर डिस्प्लेस होगा आगे, तो इस वर्क, इसका वर्क आ जाएगा 200 इंटू आर, फोर्स इंटू इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं। ये तो ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा आपके पास, एम जी जो आपने पास 10 के जी, तो अभी इसको एम जी के टर्म्स में, और ये वाला वर्टिकल सेपरेशन, ये आर, ये आर कॉस 30, तो ये आ गया आपके पास आर बाई टू, आर बाई टू, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम। सॉल्व कर लेना, आंसर देख लेना, जो भी इधर मैच कर रहा हो यहाँ, जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है वो समझ में आ गया होगा पर सेकंड, जो भी आंसर आएगा वो आप मैच कर ले, ठीक है। तो इधर से आपका कुछ इस तरीके से रिजल्ट निकले। अब आपको एक सवाल मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, एक सवाल होमवर्क, सवाल ये है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको दिया गया है यहां पे, ये है स्प्रिंग, ये है ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है कितनी, इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड। इस वक्त स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, है ना, इसको चेक कर लेना, हो सकता है शायद वैसे गलत नहीं है, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है v नॉट वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पॉइंट चल रहा है, ऑब्वियसली कोई इसे खींच रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इधर और इसकी वेलोसिटी इधर, ये कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा क्योंकि इस पे काफी, एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो इसको चेंज करेगा, यहां स्प्रिंग के साथ साथ कुछ और भी लग रहा होगा जो इसको चेंज नहीं होने दे रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ये अभी 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो आपको ये बताना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। अब मैं पहले ही बता दूं, ये सवाल कोई ऐसा हल्का फुल्का सवाल नहीं है, तुम ऐसा सोच लो और अपनी छाती पीट के रहोगे, अरे हमसे तो ये सवाल हो ही नहीं रहा, सर आप पढ़ाते हो हमसे क्वेश्चन नहीं होते। अबे मैं वो क्वेश्चन क्यों दूं जो तुमसे हो जाएंगे, मैं वो क्वेश्चन दूंगा ना जिसपे तुम सोच रहे लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो भाई वो तो मैं बता दे रहा हूं ना तुम्हें। मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मान लो मेरे पास ऑप्शन होता कि भाई मैं 10-20 क्वेश्चन दे सकता तो फिर मैं करता कि हाँ 2-3 मैं इजी देता, 2-3 टफ देता, बीच के मॉडरेट देता, है कि नहीं। लेकिन अब मेरे पास इतना वो है नहीं कि मैं 10 क्वेश्चन दूं और फिर उनको आगे आके डिस्कस करूं, और मैं वो चाहता नहीं कि भाई मैं 2 क्वेश्चन ईजी दे दूं, तुम बोलो अरे हाँ सर ने तो ऐसा कराया ही था, ये लो हो गया। इसको सोच के आओ, ये सवाल मैं जानता हूं तुमसे नहीं होगा, मैं जानता हूं नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, एक जहां भी कभी भी अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिख जाए ना, तो समझ जाओ कि वो क्वेश्चनर वो कह रहा है कि भैया बैठ जाए यहां। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो या उस पॉइंट का एक्सेलरेशन दे दिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझ जाना कि एग्जामिनर तुम्हें कह रहा है कि बैठ जाओ उस पॉइंट पे, पॉइंट पे बैठ जाओ, ऑब्जर्वर को बैठा दो और फिर पूरे सिस्टम को देखो। इससे फायदा यह होगा कि ये तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम है, कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आप अगर इस पॉइंट पे बैठ जाते हैं, आपके लिए ये फ्रेम तो हो गया रेस्ट में, लेकिन अब आप देखेंगे तो आप अपनी वेलोसिटी इसको देंगे तो ये आपको 3 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा, तू भी आप इधर दे देंगे, और ये अभी है नेचुरल लेंथ। अब बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब ये सवाल आप कर सकते हो, है ना, बोलते बोलते मुझे लगा कि यार एटलीस्ट हिंट तो दे, कई बच्चे अब ये सवाल होना चाहिए, अब अगर नहीं होता है तो मतलब आपके अप्रोच में, फिर मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, और बढ़ाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। तो आज का सेशन जो है वो अभी हम क्या क्या पढ़ना बाकी है, अभी जो है हम देखेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया, उसका बेसिक क्या मतलब कैसे चेक करते हैं वो हमने ले लिया, कौन कौन कंजर्वेटिव है, कौन कौन कंजर्वेटिव नहीं है, और बस उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको मैं दे दूंगा अगले सेशन में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की, और कोशिश यही करूंगा कि ये सारी टॉपिक्स एक ही लेक्चर में मैं कवर करा दूं। दूसरी जो चीज़ है, फिर उसके बाद हमारे पास रिलेशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के अंदर, और फिर पावर। तो वैसे मैंने कहा था पिछले क्लास में कि 3 लेक्चर और लगेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अभी और 3 लेक्चर्स लग जाएंगे, मतलब अपना ये लेक्चर अभी आपका वेंसडे को आ रहा होगा ना, तो मतलब आपको
वेंसडे तो हाँ मतलब सैटरडे तक आपका जो है मतलब ये हफ्ता हफ्ता वर्क पावर एनर्जी में निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, बाकी हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।